नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर और आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज देश की बात में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे कूटनीतिक युद्ध में आए नए मोड़ की। चीन के कश्मीर मामले में मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को किस तरह से लेगा चीन, इस पर हम बात करेंगे और क्या होगा भारत चीन के विवाद का हल, ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन से बढ़ते विवाद पर बातचीत के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक और इसी बीच अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद हरकत में आई है केंद्र सरकार और आतंक के खिलाफ तेज हो गया है सफाया अभियान। तो आपको इसके अलावा इन खबरों के साथ साथ ही दिखाएंगे बीफ के नाम पर नागपुर में हुई एक बार फिर से खुलेआम गुंडागर्दी, एक शख्स की सड़क पर कैसे बेरहमी से पिटाई की गई। इसके कुछ घंटे पहले हिसार में एक व्यापारी को जबरन भारत माता की जय बुलवाने के लिए मारे गए थे थप्पड़। तो धर्म के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं को मिला लोगों को भड़काने का मौका। एक बीजेपी विधायक भी इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूका है। किस तरह से ये सारी खबरें आई हैं और किस तरह से हमारा समाज बदल रहा है या क्या गोरक्षक प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुन रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सुर्खियों को तरसते कांग्रेस को अब मीडिया की अहमियत क्यों समझ में आने लगी है और जब समझ में आने लगी है तो कैसे उसने नए पुराने नेताओं की एक कमेटी बनाई है, लेकिन एक तरह से डायलिसिस पर मरणासन स्थिति में आ गई कांग्रेस को इससे कोई लाभ होगा, ये देखना होगा। फिर बात करेंगे बिहार की, जहां महागठबंधन में चल रहा है जबरदस्त घमासान। सुलह का क्या रास्ता निकलेगा या इस कलह का क्या अंजाम होगा, ये हम आपको समझाएंगे। ये भी देखेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए को किस अंदाज में दे सकता है जवाब एनडीए, कौन सा चेहरा है जो उतार सकता है एनडीए, जिस पर भरोसा कर सकता है एनडीए। गांधी के नाम का प्रभाव खत्म करने के लिए कौन सा नया खानदानी नाम उतारे जाने की संभावना है, इसको हम आपके सामने रखेंगे। उधर राजस्थान में आनंद पाल एनकाउंटर मामले में कैसे सियासी रंग आ गया है और कैसे एक बदमाश की मौत पर भी जो राजनेता हैं वो चुप नहीं रह रहे हैं और उसे जाति और धर्म से जोड़कर एक नई तरह की राजनीति राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में जुटे लोगों ने कैसे जांच की मांग की है और अपने विवादित बोल के लिए मशहूर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कैसे एक बार फिर से नया विवाद खड़ा किया है, ये हम आपके सामने रखेंगे। आस्था के मामले में अदालत को ना मानने की कही है बात और इस बात का क्या असर होगा, क्या ये शिवसेना की एक नई चाल है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर बीजेपी के मुद्दे को चुरा ले, ये हम बताएंगे आपको। उधर महाराष्ट्र के बाद चलेंगे दक्षिण भारत, बात करेंगे बेंगलुरु जेल की, जहां सजा काट रही एआईडीएमके नेता वीके शशिकला को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। और बाबा रामदेव की भी बात करेंगे, बाबा रामदेव लगातार नए नए व्यापार क्षेत्रों में आ रहे हैं और अब बाबा रामदेव भारत के लोगों को सुरक्षा भी देंगे, पराक्रम के नाम से उन्होंने अपनी सुरक्षा एजेंसी शुरू कर दी है और ये भी जाहिर सी बात है कि एक बड़े पैमाने पर किया गया है। तो बाबा रामदेव अभी यहाँ पर भी अपनी धाक जमाने की कोशिश कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और यदि आप इनकम टैक्स जमा करने को लेकर अभी तक उपेक्षा का भाव रखते हैं तो अब जग जाइए, क्योंकि अब सरकार उन तमाम लोगों पर नकेल कसने वाली है जो छोटे बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं और इनकम टैक्स नहीं जमा करते। अब किसी भी वक्त आपकी जाँच पड़ताल शुरू हो सकती है, कैसा है सरकार का ये फैसला, ये आपको हम बताएंगे। और सुनिए सरकार में आज बात करेंगे हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी क्यों बर्लिन में हुई दाने दाने के मोहताज, ऐसे में क्यों न कहा जाए कि डूब मरिए सरकार, फिर भी इन खिलाड़ियों ने हौसला नहीं छोड़ा, पैरा स्विमिंग के रजत पदक जीता, कहाँ थे पैरालंपिक कमेटी के अधिकारी और चेयरमैन और क्यों हमारे खिलाड़ियों को नहीं दी गई वक्त पर माली मदद, इस पर भी हम बात करेंगे। और गौरतलब है कि इस पूरे मामले में जो इशारा है वो खेल मंत्री के साथ साथ जस्टिस कैलाश गंभीर की ओर भी है। पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर इस पूरे कमेटी के चेयरमैन थे और उन्हीं के हाथों में पैसा देने का अधिकार था, पर वो वहां पहुंचे ही नहीं, कहां थे कैलाश गंभीर, ये हम आपको बताएंगे। बाढ़ के चपेट में आया है पूरा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत पर भी इसका असर पड़ा है,
कि किस हाल में है पूरा भारत, ये हम आपको दिखाएंगे। खासकर बाढ़ का प्रभाव कैसा है ये आपको बताएंगे। और गंगा में कूड़ा अगर आप फेंकते हैं तो अब ये आपके लिए बेहद महंगा है, 50,000 रुपये का जुर्माना आप पर लग सकता है। क्या फैसला है ये, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। सो सेंसर बोर्ड ने अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री से गाय, गुजरात और हिंदुत्व शब्द हटाने को कहा है। क्यों ऐसा सेंसर बोर्ड कर रही है कि बार बार विवादों में आ जा रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम अन्य खबरें भी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात का नया सफर। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इसका हल सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है, और वो भी दो देशों के बीच। सिक्किम में सीमा विवाद के बीच चीन ने दबाव बनाने के लिए कश्मीर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत से बात करने की कोशिश की, और श्री जयशंकर जब चीन के राजदूत से बात करना चाह रहे थे और इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, तभी चीन की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि सिक्किम पे बाद में बात कर लेंगे, पहले बात करते हैं कश्मीर पर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने आज कहा कि चीन से विवाद का हल सिर्फ बातचीत है और ये पूरा मसला हम केवल चीन से तभी बात करेंगे जब वो डोकलाम पर कोई स्पष्टीकरण दे और उस पर बात करने के लिए तैयार है। वो किसी भी हाल में कश्मीर के मसले पर नहीं बोल सकता और भारत इसको लेकर बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सिक्किम सेक्टर में सीमा पर तनातनी के बीच भारत ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा है कि कश्मीर का मसला पूरी तरह द्विपक्षीय है और इसमें किसी तीसरे देश का दखल मान्य नहीं है। इसके अलावा चीन के साथ डोकलाम में चल रही तल्खी पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बागले ने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही विवाद का हल निकल सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में ब्रिक्स लीडर्स की अनौपचारिक मुलाकात के बाद हैम्बर्ग में 7 तारीख को, और फिर मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स रिमेन अवेलेबल, वो उपलब्ध बने आ रहे हैं, वो बने हुए हैं। तो इसमें ये कहना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता इस वक्त मैं उस बारे में कोई कमेंट करना चाहूंगा। गोपाल बागले ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां को पाकिस्तान के वीजा न दिए जाने की खबरों पर भी बयान दिया। बागले ने कहा कि पाक मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार को अभी तक कोई ठोस जानकारी इस बारे में नहीं मिली। हमारे पास जो सूचना इस तरह की कोई नहीं है, मैंने भी वो मीडिया रिपोर्ट देखी है जो आप कह रहे हैं कि उनकी ब्रीफिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही शायद उन्होंने कहा है, शायद उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान में खबर है, हमने भी उसको देखा है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इस तरह की कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। गोपाल बागले ने प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच G20 बैठक के दौरान मिलने के सवाल पर कहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। हालांकि चीनी मीडिया की ओर से ऐसी किसी भी मीटिंग से इनकार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार सीमा पर हालात के बारे में सभी दलों को बताएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जहां कश्मीर में स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी अन्य दलों को देंगे, वहीं सुषमा स्वराज डोकलाम में भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी के बारे में विस्तार से बताएंगी और भारत के क्या प्रयास हैं इस तनातनी को कम करने के लिए, उस पर भी चर्चा होगी। चीन के साथ सिक्किम सेक्टर में जारी सीमा विवाद और कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कश्मीर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन से विवाद पर प्रेजेंटेशन देंगे। दोनों नेता संबंधित मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को जानकारी देंगे। चीन के साथ चल रहे विवाद को लेकर सरकार अपनी तैयारियों और मसले का हल ढूंढने के लिए अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विपक्ष को बताएगी। 17 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि ये दो मुद्दे सत्र के दौरान जोर शोर से उठेंगे। कश्मीर में लगातार बिगड़ते हालात और चीन के साथ जारी डोकलाम विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। माना जा रहा था कि जर्मनी में
G20 की बैठक के दौरान इतर में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद हालात बदल जाएंगे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच ऐसी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। और चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स ने तो 1962 के युद्ध तक की याद दिला दी। दूसरी ओर सीमा पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछले दिनों इसी मसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन और भूटान के राजदूतों से मुलाकात भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। उधर कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए मोदी सरकार ने अचूक योजना बनाई है। इसे आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद पूरा देश आतंकियों के सफाई की मांग कर रहा है और अब सरकार ने भी ठान लिया है कि आतंकियों को खोजो और मारो। क्या है ये पूरा ऑपरेशन, देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में सेना के खोजो और मारो अभियान के बीच अमरनाथ यात्रियों पर हुआ हमला शायद आखिरी हो सकता है। घाटी में सर्दियों से पहले आतंक के सफाई में जुटी सेना को केंद्र सरकार से अभियान तेज करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को घाटी में सक्रिय 68 आतंकियों की लिस्ट सौंपी है। सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर कश्मीर घाटी में छिपे यही 68 आतंकवादी हैं। कुल 115 विदेशी आतंकवादियों को सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित किया है। आतंकियों की लिस्ट लेकर खुद सेना प्रमुख बिपिन रावत कश्मीर में सेना प्रमुख ने DG CRPF, चिनार कॉर्प्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के DGP से भी बात की है। आतंकियों के सफाई को लेकर बिपिन रावत ने सीधे तौर पर निर्देश दे दिए। आतंकियों के गढ़ माने जाने वाले दक्षिणी कश्मीर में सेना जल्द ही बड़ा अभियान छेड़ेगी। सरकार की कोशिश आतंकियों के सफाई के साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को संदेश देने की भी है। सरकार चाहती है ये संदेश जाए कि बंदूक के साथ का अंत गोली से ही होता है। सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर अलग अलग लेकर चलने की तैयारी में। सरकार कश्मीर के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रख रही है। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले और देश में बने माहौल के बाद भी सरकार संभल कर अपनी बात रख रही है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी आतंक के खिलाफ कश्मीर के लोगों के जज्बे की जमकर तारीफ की। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले की निंदा करते हुए कश्मीरियत की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादी हमले की राज्य की जनता ने एक स्वर से कड़ी निंदा कर कश्मीरियत को जिंदा रखा है और कश्मीरियों के इस रुख को मैं सलाम करता हूं। हालांकि राजनाथ के इस ट्वीट के जवाब में तमाम लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, लेकिन गृह मंत्री अपने ट्वीट से डिगे नहीं और एक महिला के ट्वीट का राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में शांति सुनिश्चित करना हमारा काम है, हम ये काम जरूर करेंगे, सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। वहीं सरकार के नए एक्शन प्लान के तहत ही BJP के फायरब्रांड नेताओं की जुबान भी खामोश है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के अभियान में जनवरी से लेकर अब तक 98 आतंकी मारे जा चुके हैं और अब आतंक के पूरी तरह खात्मे के लिए अभियान भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। उधर देश में कथित गौमांस ले जाते हुए भीड़ द्वारा पिटाई का एक और मामला सामने आया है। घटना महाराष्ट्र के नागपुर के भरसिंघी इलाके का है, जहां अपने को गौ रक्षकों बताते हुए कुछ लोगों ने एक शख्स की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी व्यक्ति के पास गौमांस होने के शक या अफवाह पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया हो। गोरक्षा के नाम पर समाज के कथित ठेकेदारों की ये गुंडागर्दी अब आम है। कहीं भी किसी भी शख्स को पकड़कर उस पर बीफ रखने का आरोप लगाकर पिटाई करना अब रोज रोज की खबर बन गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में कथित गोरक्षकों ने एक शख्स की जमकर धुलाई कर दी। हैरानी की बात तो ये रही कि शख्स की पिटाई होती रही और वहाँ मौजूद लोग मोबाइल से पिटाई का वीडियो बनाते रहे। तो ये गोमांस था या फिर मटन था? दूसरा मटन था सर, गोमांस नहीं था। गोमांस नहीं था। जिस तरीके से पिटाई की गई, क्या उन्हें अभी उनकी स्थिति है, कितना लगा है उन्हें? उनको अंदर से घाव है सर, वो सीने में है और पाँव में और कान के पीछे। प्राइमरी प्राथमिक उपचार देके उसको मेडिकल हॉस्पिटल में किया है, उसके सीरियस इंजुरीज नहीं है।
तो पूरी जो उसको मेडिकल हेल्प है वो दी जा रही है, और अभी तक के जानकारी हिसाब से जो आरोपी थे वो चारों आरोपियों को अरेस्ट कर दिया। बाकी के अगर कोई ऐसे और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। नागपुर के जलाल खेड़ा के रहने वाले पीड़ित की पत्नी के मुताबिक उसका पति सलीम मटन लेकर जा रहा था, तभी 6-7 लोगों ने बीफ के शक में उनको पकड़ लिया। इसके बाद कथित गोरक्षकों ने गिरा गिरा कर उसकी पिटाई की। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि ये लोग गौरक्षक नहीं है, ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो लॉ अपने हाथ में लेते हैं, और इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। इसलिए कि किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह के चीज करे और लॉ अपने हाथ में लेके लोगों को लिंच करे। और मुझे लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पर कड़ी कार्रवाई करनी। गोमांस है किसी के पास, इस प्रकार का संशय होने से कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ रही है देश में। जो उत्तर प्रदेश में जो आग भड़की है गोमांस को लेकर, वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और देश भर में फैलने से इसको रोकना चाहिए सरकार को। सरकार की ये जिम्मेदारी है। और माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी इसके ऊपर कल वक्तव्य किया था कि गोरक्षकों को सरकार ने काबू में लाना चाहिए, नहीं तो देश में बहुत बुरी परिस्थिति हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित सलीम को भीड़ से छुड़वाया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सभी आरोपी स्थानीय विधायक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अपने खराब दिनों में कांग्रेस को एक बार फिर अपने पुराने नेताओं की याद आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कम्युनिकेशन टीम में न सिर्फ बदलाव किया है बल्कि इसमें तजुर्बेकार पुराने नेताओं को तरजीह दी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस में आक्रामकता की कमी है। तमाम ऐसे मुद्दे आए, चाहे वो गोरक्षा का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, या फिर उत्तर प्रदेश की हाल हो, या फिर पाटीदारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सरकार को वो घेर नहीं पाई। GST और नोटबंदी किसे याद नहीं है। कांग्रेस अक्षम साबित हुई है अभी तक। ऐसे में कांग्रेस ने अब अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी प्रक्रिया के तहत पहली कार्रवाई करते हुए अब ऐसे लोगों को चुना गया है जो अच्छा बोलते हैं और मीडिया के सामने कांग्रेस के विचारों को रख पाएंगे। इसमें से कई नए और पुराने चेहरे हैं। नए चेहरों में भी उन्हें ही तरजीह दी गई है जो पारंपरिक रूप से कांग्रेसी रहे हैं। केंद्र की सत्ता गंवाने के साथ ही कांग्रेस भी हाशिए पर चली गई थी। बहुमत के साथ आई मोदी सरकार के किसी भी वार का ना तो उसके पास जवाब है और ना ही सरकार के खिलाफ उसके विरोध में कोई दम दिखा रहा है। ऐसे में लंबे वक्त से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन टीम में फेर बदल किया जाए। पार्टी ने जो बदलाव किया है उनमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अय्यर को कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप का सदस्य बनाया है। इस ग्रुप में पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयराम रमेश और आनंद शर्मा जैसे नेताओं को जगह मिली है। ये ग्रुप कांग्रेस के मीडिया विभाग को तत्कालिक मसलों पर अपनी राय देगा, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता पार्टी की राय जनता के सामने रखेंगे। कांग्रेस की इस नई टीम पर नजर डालें तो पार्टी ने युवा शक्ति के आगे तजुर्बे को तरजीह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, यानी कांग्रेस ने एक बार फिर पुराने लोगों पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कांग्रेस की नई मीडिया टीम पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रख पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में JDU ने सरकार में सहयोगी RJD के सामने अपना पक्ष दमदार तरीके से जरूर रख दिया है और इसके जवाब में RJD भी कहाँ रुकने वाली थी। पहले तो खबर ये आई कि RJD ने ये धमकी दी कि हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हमारी सुननी ही पड़ेगी, लेकिन शाम होते होते सूर्य मध्यम पड़ गए और मीडिया में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की खबरें आ रही थी कि किस तरह से उनका सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को पीटा, इसके विरोध में तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें मीडिया कर्मी उनके सुरक्षा कर्मियों से जबरदस्ती करते हुए दिख रहे थे।
ये विरोध प्रतिरोध की राजनीति तो चलती रही, मीडिया के साथ तेजस्वी यादव की लड़ाई भी जारी है, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के लगे आरोपों और इस्तीफा देने के इनकार के बाद महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। जेडीयू ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि वो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के मामले में फैसला ले ले, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के इस्तीफे से साफ इनकार कर चुके हैं। टकराव के बीच आरजेडी के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने इशारों में नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने की भी धमकी दे दी। मीडिया से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और महागठबंधन में वही होगा जो आरजेडी चाहेगी। बिहार के महागठबंधन में घमासान तेज हो गया है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार के बाद से जेडीयू की बेचैनी बढ़ चुकी है। हालांकि अंदर खाने के बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, लेकिन जेडीयू अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि के बहाने आरजेडी पर हावी हो गई है। हमने अपनी पार्टी की भावना व्यक्त कर दी है और हमारी पार्टी की साफ समझ है कि सीबीआई का केस हुआ है, बिंदुवार आरोप लगे हैं, बिंदुवार उसका जवाब जनता की अपेक्षा है। अपराध और भ्रष्टाचार में जो हमारी पूर्व की नीति है, उस नीति से न हिलेंगे न डिगेंगे। जेडीयू का कहना है कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और राजवल्लभ के मामले में सरकार के रुख के लेकर सबने नीतीश कुमार की सराहना की थी। अब तेजस्वी यादव के मामले में नीतीश के फैसले को गलत कैसे ठहराया जा सकता है, इसलिए आरजेडी को तेजस्वी यादव के वक्त गवाए बगैर इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन आरजेडी अपनी बात पर पूरे तरीके से अड़ी हुई है। उसका कहना है कि नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि साजिश आखिर किसकी है। आवाम फैसला करेगी, सड़क पे भी होंगे, यहाँ गठबंधन भी चलेगा मजबूती से, सड़क के सरोकार होंगे और हमारी विधायिका के। दरअसल आरजेडी अपनी लाज बचाने के लिए इस मौके को सियासी लड़ाई में बदलना चाहती है। वो जानती है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं, वरना चुनाव से पहले उन्हें लालू यादव के दामन के दाग नजर क्यों नहीं आए। वहीं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नायक की छवि बनाने के लिए कोई भी चौंकाने वाला कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी को लग रहा है कि दोनों की लड़ाई में गठबंधन टूटने पर नीतीश कुमार उनकी झोली में गिर सकते हैं, वरना गठबंधन में पलीता लगने से फायदा तो बीजेपी का ही है। समझा जा रहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान तक जेडीयू मामले को गरमाए रखना चाहती है, उसके बाद नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और यदि ये दोनों ही दल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बिहार का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग हो सकता है, और ये समीकरण बदला तो केंद्र के भी समीकरणों में बदलाव हो सकता है, खासकर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेके। उधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल होने के बाद अब राजनीतिक दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपीए समेत 18 विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरएसएस के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की है। बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला का नाम चल रहा है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का नाम भी चर्चा में शामिल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी के नाम आने के बाद बीजेपी की कोर टीम के सदस्यों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी का मानना है कि गोपाल कृष्ण गांधी एक बड़ा नाम है और उनको चुनौती देने के लिए उन्हीं की हैसियत वाले किसी शख्स को पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की रेस में नजमा हेपतुल्ला का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुस्लिम चेहरा होने का फायदा नजमा को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी को इस प्रकार की पार्टी नहीं माना जाता है कि वो किसी बड़े पद के लिए मुस्लिम चेहरा आगे करे, लेकिन चूंकि पीएम मोदी हमेशा ही सबका साथ सबका विकास के नारे की बात करते हैं तो बीजेपी इस दाव को भी चल सकती है। बीजेपी चाहती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम फाइनल करे जिसे राज्यसभा का अनुभव हो। नजमा 1986 से 2012 तक 5 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा वो 17 साल तक राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन भी रह चुकी हैं। राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में है, वहाँ चेयरमैन पद पर बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो सभी पार्टियों के बीच समन्वय से सरकार की राह आसान कर सके। नजमा चूंकि कांग्रेस में रही हैं, ऐसे में इस पैमाने पर वो खरी उतरती हैं। नजमा का सभी राजनीतिक दलों में एक अच्छा सम्मान भी है। सूत्रों की माने तो संघ चाहता है कि संघ के बैकग्राउंड वाला व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति बने, यहाँ नजमा चूक जाती हैं। साथ ही नजमा हेपतुल्ला की उम्र 77 वर्ष है।
अधिक उम्र होने के कारण ही उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदन भी चलाना होता है और उनका एक्टिव होना भी जरूरी है, इसलिए उम्र की बात भी उनकी आड़े आ सकती है। जानकारी के मुताबिक गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का भी नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर बात विवादों की हो रही है, बात दलों में फूट की हो रही है, बात ऐसे बयानों की भी हो रही है जो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। 24 जून को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मौत का मामला अब हिंसक होता जा रहा है और इसी बीच नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आनंदपाल के गांव में हुई रैली के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो अब इस मामले में सियासी रंग आ गया है। राजपूत समाज आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई की जांच की मांग कर पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि अगर कोर्ट चाहे तो मामले की सीबीआई जांच करा सकती है। इसी बीच दिग्विजय सिंह भी इस पूरे मामले में कूद गए हैं और आनंदपाल के एनकाउंटर को राजपूत सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि राजनीति क्या इस हद तक चल जाती है कि किसी डाकू की मौत भी एक जाति के सम्मान की बात हो जाती है, किसी बदमाश की मौत या बदमाश का एनकाउंटर भी गलत साबित होने लगता है क्योंकि वो राजनीतिक समीकरणों को सूट नहीं करता। देखिए इस रिपोर्ट। जीते जी राजस्थान सरकार की नाक में दम करने वाला मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह मरने के बाद भी पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसके एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। इस अपराधी की मौत पर जमकर सियासत हो रही है जिसने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार की नींद हराम कर रखी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। देखो सीबीआई जांच कराना चाहे हाईकोर्ट कराना चाहे सुप्रीम कोर्ट कराना चाहे कराए, हमें कोई एतराज नहीं, हम उसको फेस करेंगे। लेकिन जिस पुलिस ने जिस मर्दानगी से अपनी जान हथेली पे रख करके जिसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया और जिसके एक नहीं सैकड़ों एविडेंस आज की तारीख में हमारे पास मौजूद हैं, जो श्रवण सिंह जिसके घर में ये फंसा था उसके बयान जो है ना लेखबद्ध हुए हैं और वो एक तरह से मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं। जो हालात आज पैदा हुए हैं प्रदेश के अंदर इस पूरे प्रकरण के बाद टकराव की स्थिति पैदा हुई है, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी चुप्पी को तोड़ें, लेकिन लोगों को भड़का कर लोगों को आपस में लड़वा कर हमेशा भाजपा ने राजनीति करी है और आज भी वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको लाभ होगा और तब वो अपना अगला कदम उठाएंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार को इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए और जो भी उनको लगता है सही है वो करें, लेकिन इस प्रकार का तनाव प्रदेश के हित में नहीं है। परिवार और राजपूत समाज लगातार वसुंधरा राजे सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहा है और गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है। सरकार इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। देखो सीबीआई जांच कराना चाहे हाईकोर्ट कराना चाहे सुप्रीम कोर्ट कराना चाहे कराए, हमें कोई एतराज नहीं, हम उसको फेस करेंगे। लेकिन जिस पुलिस ने जिस मर्दानगी से अपनी जान हथेली पे रख करके जिसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया और जिसके एक नहीं सैकड़ों एविडेंस आज की तारीख में हमारे पास मौजूद हैं, जो श्रवण सिंह जिसके घर में ये फंसा था उसके बयान जो है ना लेखबद्ध हुए हैं और वो एक तरह से मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं। पुलिस ने आनंदपाल को 24 जून की आधी रात चुरू में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। सुराग मिलने के बाद पुलिस वालों ने आनंदपाल को घेरा था, उसने पुलिस वालों पर AK-47 से करीब 100 राउंड गोलियां भी बरसाईं। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और आखिरकार आनंदपाल के आतंक का खात्मा हो गया। एपीएन। और 24 जून को हुए इस एनकाउंटर के बाद आनंदपाल के परिवार वाले लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे थे और आनंदपाल के शव का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे। आज जब प्रशासन ने इस बात की ताकीद की कि यदि उसके परिवार वालों ने उसके शव का दाह संस्कार नहीं किया तो प्रशासन उसका दाह संस्कार कर देगा, तो फिर परिवार वालों ने आज आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर जब बात विवादों की चल रही है तो शिवसेना सांसद संजय राउत को कैसे भूल सकते हैं जो हमेशा विवादित बोलकर हेडलाइन में बने रहते हैं। अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाने के मामले की कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर आज एक बार फिर से राउत ने विवादित बयान दिया है। शिवसेना सांसद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद विवाद पर कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हमने राम मंदिर का आंदोलन कोर्ट से पूछकर नहीं चलाया था।
यूं तो शिवसेना सांसद संजय राउत शुरू से ही अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोर्ट को लेकर बयान दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर संजय राउत ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। शिवसेना सांसद ने कहा कि राम भक्तों ने कोर्ट से पूछकर राम मंदिर का आंदोलन शुरू नहीं किया था। केंद्र में और राज्य में राम मंदिर निर्माण के बारे में अब ऑर्डिनेंस आदेश देना चाहिए। अब राष्ट्रपति भी हमारे बन रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारे विचारों के हैं, राम मंदिर के आंदोलन में सभी है सहभागी थे, सक्रिय थे, तो आप देर किस बात की। दूसरा पक्ष ये कहता है कि मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट को नहीं मानते इस मामले में। हम कोर्ट के पूछकर आंदोलन नहीं किया था और कर सेवकों का बलिदान हम कोर्ट से पूछकर नहीं किया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया था। मई 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मामला तय किया था, लेकिन साल 2001 में तीनों नेताओं को बाबरी मामले में साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2010 में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपों को बरकरार रखा था। इसी मामले को लेकर संजय राउत प्रतिक्रिया दे रहे थे। रिपोर्ट एपीएन। हर नेता जब बयान देता है तो अपने सियासी दल की अहमियतों का ख्याल रखता है और इसी के तहत आज संजय राउत ने बयान दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कह डाली। वहीं यूपी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने भी कहा है कि अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी मक्का मदीना जाने से रोक दिया जाएगा, हज की यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। पहले इन्होंने ये संदेश एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिया और उसके बाद मीडिया से भी बात किया और सही यही बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई। किस तरह से लिया जाए योगी आदित्यनाथ की दल के इस विधायक के इस बात को, क्या समझा जाए कि अब राजनीति इतनी बदल गई है कि अपनी बात को रखने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लेगा, किसी भी हद तक चला जाएगा। बहरहाल ये सोचने का विषय हमारे और आपके लिए है, इन राजनेताओं के लिए नहीं है। आप सुनिए कि आखिर इन विधायक साहब ने बयान क्या दिया है। चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत एक वायरल वीडियो में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। वीडियो में विधायक ब्रजभूषण राजपूत कहते नजर आ रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वालों को खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हम हिंदू कभी हज यात्रा जाने से नहीं रोकते बल्कि उनका सम्मान करते हैं। आने वाले समय में 100 करोड़ लोग राम मंदिर जरूर बनाएंगे। अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग मंदिर बनाने से रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी मक्का मदीना जाने से रोक दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रियों की ऊपर हमला कर उनकी हत्या की है। मैं ऐसे आतंकवादियों की निंदा तो नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना क्रोध जाहिर करना चाहता हूं। हमारे देश की सरकारें इनको हज यात्रा के लिए मक्का मदीना के लिए सब्सिडी देती है यात्रा करने के लिए, तो यकीन मानिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी मक्का मदीना जाने से रोकने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करेगा। बीजेपी विधायक के इस विवादित बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हुई हैं। विपक्षी दलों से लेकर धर्मगुरुओं तक ने बयान की कड़ी आलोचना की है। दिस डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। इंडिया बिलोंग्स टू ऑल इट्स सिटीजंस। वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड अ सेक्युलर कंट्री। नोबडी कैन से और डू समथिंग व्हिच कॉन्ट्रावीन्स द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून व्यवस्था को लेकर तो योगी सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है, अब उनके मंत्री और विधायक भी विवादित बयान देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार के किसी मंत्री या विधायक ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी तमाम नेता अपनी बदजुबानी से सरकार की इमेज खराब कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और कुछ ऐसे ही बयान योगी आदित्यनाथ स्वयं दिया करते थे जब वो सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वो संयमित हैं और हर बयान को सोच समझ कर देते हैं। एक सुलझे हुए राजनेता के तौर पर उभरना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मोदी का उत्तराधिकारी तक बताया है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे विवादित बातें भी लिखी हैं जो कभी न कभी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी रही हैं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत सहज नहीं होंगे। गुरुवार को एक लेख में कहा गया है कि भारतीय राजनीति में कुछ फैसले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिलेक्शन से ज्यादा मायने रखते हैं। इसकी वजह है कि ये पोस्ट भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाती है। लेख में योगी को उग्रवादी हिंदू परंपरा से जुड़ा नेता भी बताया गया है और ये बात शायद तब ज्यादा सही साबित होने लगती है जब बीजेपी के तमाम विधायक इस तरह के बयान देते हैं और इससे योगी आदित्यनाथ की छवि पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि इससे पहले भी अपने एक एडिटोरियल में एनवाईटी ने योगी को मुस्लिम विरोधी नेता कहा और साथ ही लेख में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट सदानंद धूमे के हवाले से कहा गया है कि योगी मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर किसी की भी स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। दोनों ही अतिवादी नेता हैं। 3 साल पहले उनको इतना कट्टर माना जाता था कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ मोदी के मुफीद विकल्प हैं। तो ये बात प्रशंसा में ली जाए या फिर ये चिंता का विषय है, ये हम और आप जैसे तमाम जो दर्शक हैं वो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त विश्लेषण होने वाला है उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आमदनी और खर्चों का। ये पूरा ऑडिट सीएजी यानी कैग से कराने की मांग लंबे अरसे से उठ रही थी, जिसको वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि इसका पूरा ऑडिट सीएजी करे। जाहिर सी बात है कि सीएजी के ऑडिट के बाद कई ऐसे आला अधिकारी होंगे जिनके सर तलवार लटक सकती है। यूपी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी यूपी एसआईडीसी का सीएजी से ऑडिट करवाने का फैसला किया है। एमडी और चीफ इंजीनियर के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास निगम को भी जांच के दायरे में लिया है। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में सीएजी को एक पत्र भी भेजा है। देखिए, हम लोगों ने पिछली कैबिनेट के अंदर ही ये निर्णय लिया था और हमने कहा था कि हमारे जो प्राधिकरण है उन लोगों को अप्रूवल ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा कैग के तहत, तो उसी का पालन हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मगर ये अच्छा निर्णय हम लोग ने कैबिनेट में लिया था और ये पारदर्शिता दिखाता है कि हम लोग ओपन है कि आइए हमारे को ऑडिट करना चाहे, कोई केंद्रीय जांच एजेंसी करना चाहती है, ऑडिट एजेंसी करना चाहती है, तो पारदर्शिता की ये सरकार है। सीएजी ने अखिलेश यादव सरकार में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के ऑडिट की अनुमति की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। जबकि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार को दबाने के आरोप लगाए थे और इस मामले को जोर शोर से उठाया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आमदनी और खर्चों की ऑडिट सीएजी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये ऐसा प्रकरण है जिसमें सीएजी का जवाब मिलना जरूरी है। एक अच्छा निर्णय है, इसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अनुचित चीज़ है। कैग तो वैसे ही तमाम सारे सरकारी विभागों का ऑडिट इंस्पेक्शन करता है, इन संस्थाओं को अभी तक नहीं करता था। सब विभागीय के अनुशासन अपने ऑडिट एजेंसी द्वारा इनका ऑडिट कराती थी, लेकिन अब सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है, उसके द्वारा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो परीक्षण होगा मैं समझता हूँ ज़्यादा फूल प्रूफ होगा और उससे इन संगठनों में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और लोगों को शिकायत का मौका कम मिलेगा। अच्छे ढंग से ये महत्वपूर्ण जो कॉरपोरेशन है, ये हमारे प्राधिकरण है, ये अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा के बेंच ने कहा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आमदनी बहुत ज्यादा है, जबकि आमदनी के अनुपात में व्यय कम है। इससे सभी प्राधिकरणों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का अनुमान। विक्रम मिश्रा के साथ अविनाश मिश्रा, एपीएन लखनऊ। उधर देश को एक सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार की गूंज अमेरिका तक में सुनाई पड़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 2011 से 2015 के बीच
ठेके लेने के लिए अमेरिका की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने $10,00,000 की रिश्वत दी थी। इस बात का खुलासा अमेरिका के न्याय विभाग के जरिए हुआ है। सीएमडी स्मिथ नाम की ये कंपनी आनन फानन में इन ठेकों से कमाए $40,00,000 अमेरिकी सरकार को अदा करने को तैयार हो गई, तब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई रोकी गई। लेकिन अपने देश में पिछले 4 साल से चल रहे इस भ्रष्टाचार की किसी को भनक तक नहीं लगी। अब मामले का खुलासा होने पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में NHAI के वरिष्ठ अधिकारी छिब्बर और उनके एक साथी का नाम आ रहा है। NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में राजमार्गों के निर्माण, विस्तार, रखरखाव और विकास के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण। खुद सड़क परिवहन मंत्री इस प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा शक्तियां और अधिकार का इस्तेमाल कर NHAI में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि अंजाम क्या होगा। राजमार्ग की सड़कों में जितने उबड़ खाबड़ और जितने गड्ढे हैं उसके उलट भ्रष्टाचार इतनी ही सफाई से होता है कि किसी को भनक तक नहीं होती। खुलासा भी तब हुआ जब एक अमेरिकी कंपनी खुद अपने मुल्क के कानून की गिरफ्त में आ गई। सीडीएम स्मिथ नाम की बोस्टन की इस कंपनी पर अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने साल 2011 से 2015 के भीतर भारत में ठेके लेने के लिए $10,00,000 की रिश्वत दी थी। ये रिश्वत हाईवे निर्माण की निगरानी और डिजाइन साथ ही जल परियोजना के ठेके के बदले दी गई। न्याय विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ठेके के वैल्यू का 3-4% बतौर रिश्वत अदा किया गया। ये रिश्वत फर्जी उप ठेकेदारों के माध्यम से दी गई। दरअसल इन ठेकेदारों ने कोई काम किया ही नहीं था। न्याय विभाग ने कहा कि CDM इंडिया के अधिकारियों ने गोवा में जल परियोजना ठेका के संबंध में $25,000 की रिश्वत दी थी। अमेरिकी जाँच में पता चला कि NHAI के वरिष्ठ अधिकारी को दी गई इस घूस के बदले में CDM स्मिथ कंपनी ने करीब $40,00,000 कमाए थे। न्याय विभाग ने कंपनी के कबूलनामे और अमेरिकी सरकार को इस मुनाफे की रकम अदा करने का वचन देने पर मामले को बंद कर दिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मामले का खुलासा अब हुआ है। समझा जा रहा है कि NHAI के शीर्ष पर बैठे एक अधिकारी की तरफ शक की सुई घूम रही है। 1915 के दौरान NHAI के चेयरमैन विजय छिब्बर थे। छिब्बर को सड़क परिवहन सचिव रहते हुए NHAI का जिम्मा सौंपा गया था। बहरहाल केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक ऐसा मामला है कि यदि इसकी जांच होती है तो बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। और उधर भ्रष्टाचार का ही एक और मामला तमिलनाडु में भी आया है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जेल की सजा भुगत रही AIADM के नेता VK शशिकला नटराजन रिश्वत देकर जेल में घर जैसी आरामदायक सुख सुविधाओं का मजा ले रही हैं, ऐसे आरोप हैं। तमिलनाडु के DIG प्रिजन डी रूपा के रिपोर्ट में सामने आया है कि शशिकला ने जेल में VIP ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए 2 करोड़ की रिश्वत दी है। डी रूपा ने अपनी रिपोर्ट में DG जेल को भी शामिल किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि शशिकला के लिए जेल में खास किचन बनाया गया है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते संभालते बेंगलुरु जेल पहुंची शशिकला का पीछा भ्रष्टाचार की फितरत यहां भी नहीं छोड़ रही। जलिलता के साथ शाही जिंदगी गुजारने की आदी रही शशिकला को जेल की हवा, पानी, खाना रास नहीं आ रहा, इसलिए उनके लिए खास किचन तैयार कराया गया है जहां उनका मनपसंद खाना पकाया जाता है। इसके लिए जेल अधिकारियों को करीब 2 करोड़ की रिश्वत भी दी गई। इस बात का खुलासा हुआ है DIG जेल डी रूपा की एक रिपोर्ट से। Let him take action. I've given also a copy to the government. I have also read Prison Act, Prison Manual. So there's no question of me not knowing the rules. DIG D. Rupa ने आरोप लगाया है कि इस घूसखोरी में पुलिस के डायरेक्टर जनरल जेल HN सत्यनारायण राव भी शामिल हैं। सत्यनारायण राव इस आरोप को गलत बताते हैं। Delegates chamber, there were too many eggs. There are 2 dozen eggs. Nothing else. And I told him there is a small LCD TV. I told him why this is given, why can't you give an old TV? So nothing else? Nothing else. And attender was there. I questioned the attender. Okay. Then superintendent, chief superintendent showed me the court order, okay, wherein court has permitted him an attendant. I said okay. DIG D. Rupa ने अपने इस रिपोर्ट में जेल के भीतर होने वाली दूसरी अवैध गतिविधियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टाम्प पेपर घोटाले का आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को भी पैसे के बल पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। डी रूपा ने
अपनी रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी प्रिजन और होम सेक्रेटरी को भेजी है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। इसे लेकर बीजेपी जहां राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है, वहीं अपनी सरकार पर लग रहे आरोपों को लेकर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। And anything is out of orderly, something is done, that it should not be carried out continuously. And the legal steps or legal action should be taken who have committed mistakes there. कि जिस प्रकार जेल में रहते हुए convicted लोग सारे जो luxuries हैं उसका अनुभव करते हैं, कांग्रेस सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और देश के समक्ष और कर्नाटक के जनता के समक्ष उस कार्यवाही का जानकारी जल्दी से जल्द देना चाहिए। शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। वो अभी बेंगलुरु में पारापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद है। रिपोर्ट एपीएल। और अब बात करते हैं, सुनिए सरकार की। देश के खिलाड़ियों को सरकार और खेल अथॉरिटी की गलतियों की वजह से विदेश में खाने और आने जाने के लिए भीख मांगनी पड़े तो इससे शर्मनाक बात किसी भी देश के सम्मान के लिए क्या हो सकती है। जहां देश की बेटियों ने पिछले ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया और वहीं पैरा ओलंपिक में भाग लेने गई देश की एक और बेटी मेडल तो जीत लाई लेकिन पैसे के लिए विदेश में मोहताज हो गई और उसके साथ तमाम अन्य खिलाड़ी भी। ये सब कुछ हुआ है खिलाड़ियों की देखरेख करने वाली समिति और खेल मंत्रालय की वजह से। इसी पर है आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट, सुनिए सरकार। जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लगातार प्रेरणा दे रहे हों, तो विदेशों में जाकर भारत की बेटियों की कामयाबी की कहानी साझा कर रहे हों, उसी देश के एक पैरालंपिक पदक विजेता को बर्लिन में हुई प्रतिस्पर्धा के दौरान खाने तक को मोहताज होना पड़ा। जर्मनी के बर्लिन में पैरा स्विमिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए कंचनमाला पांडे समेत 6 पैरा एथलीट की टीम को बहुत शर्मनाक हालत से गुजरना पड़ा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पैसे जारी न करने से कंचनमाला को ट्राम का टिकट खरीदने के लिए साथियों की मदद लेनी पड़ी, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी साथियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। युवा एवं खेल मंत्री विजय गोयल ने मामले की जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया तो पैरालंपिक कमेटी की अदालत से नियुक्त किए गए चेयरमैन कैलाश गंभीर की अनुपलब्धता की बात कहकर अपना दामन बचाने की कोशिश भी की। ऐसे में तमाम जो उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं, जब क्रिकेट के तमाम खेलों की हम चमक दमक देखते हैं, तमाम तरह की राजनीति देखते हैं और उसी दौरान ये खेल और इनके खिलाड़ियों की ऐसी उपेक्षा की तस्वीरें और उसमें खेल मंत्री का महज इतना कह देना कि हम जांच करेंगे, कमेटी के अध्यक्ष का उपलब्ध नहीं रहना, ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि डूब मरिए। कंचन बाला देख नहीं सकती, उसे सिर्फ अपना मकसद दिखाई पड़ता है। उसे साफ नजर आ रहा था कि उसे देश का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में हर हाल में जीतना है, लेकिन खुद को हर तरह सक्षम समझने वाले अफसरान उसके सामने अक्ल के अंधे साबित हुए। वो ये देखने और समझने में नाकाम रहे कि बगैर पैसे के पैरालंपिक प्रतिस्पर्धा के लिए जा रहे पैरा एथलीट किन हालात में देश का नाम रोशन करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी और दुनिया की नजरों में भारत की क्या छवि बनेगी। लेकिन इसकी समझ देश के पैरा एथलीटों को थी और कंचन माला और सुयश जाधव ने रजत पदक जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। उन्हें समिति के इस बर्ताव की टीस जरूर बाकी है। बर्लिन का जो हमारा ट्रिप था ये गवर्नमेंट सैंक्शन टूर था, साई ने इसके लिए पैसा दिया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को, बट पैरालंपिक कमेटी ऑफ और हमको लेटर भी आ गया था कि हमारा फुल कॉस्ट गवर्नमेंट पे हम लोग जा रहे हैं और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हमें 2-3 दिन पहले बताया कि आपका जो टूर है उसका पैसा तो हमें आ गया है बट हम आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा अकाउंट ब्लॉक है और अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से आपको अपना पैसा खुद खर्चा करना पड़ेगा लॉजिंग बोर्डिंग का और हम आपको वापस आके रीइंबर्स करेंगे। इन खिलाड़ियों के हालात ये थे कि बर्लिन में ट्राम की यात्रा के दौरान कंचनमाला के पास टिकट न होने पर जुर्माना लगा, तब कंचनमाला ने अपने साथियों से पैसे लेकर जुर्माना भरा।
आगे तो ये नौबत आ गई थी कि उसे खाने के लिए भी अपने साथियों के सामने हाथ फैलाने पड़े। पैरालंपिक कमेटी ऑफ एनटीएस के लिए खुद को कतई दोषी नहीं मानती। उसका कहना है कि अदालत ने इस कमेटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश गंभीर को बनाया है। उनके उपलब्ध न होने की वजह से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भेजी गई करीब 3.25 लाख रुपए की राशि को निकालने की मंजूरी नहीं मिल सकी। उधर देश के युवा और खेल मंत्री विजय गोयल ने जांच कराने की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। समझता हूँ ये साफ तरफ से लापरवाही है, जिसके लिए मैंने कह दिया है इसकी जाँच की जाएगी जी मिनिस्ट्री की ओर से कि ऐसी लापरवाही क्यों की गई और खिलाड़ियों को बिना फंड्स के क्यों भेजा गया। पैरालंपिक कमेटी का पैरा एथलीटों को ही तकलीफ का रत्ती भर भी रंज नहीं है। उल्टे सफाई में कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कोच और खिलाड़ी अपने पैसे से प्रतिस्पर्धाओं में जाते रहे हैं और लौटने पर उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। पैरालंपिक समिति और सरकार के इस मिजाज और तेवर से साफ है कि उन्हें पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को लेकर भी कोई संजीदगी नहीं है, न ही अपने खिलाड़ियों के प्रति कोई संवेदना है। जबकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में नीदरलैंड के अपने भाषण में कंचन माला की जीत का बड़े फक्र से जिक्र किया था। शारीरिक रूप से जिनको तकलीफ है पैरालंपिक, उसमें भी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को ऊपर करने का काम हमारी महिला खिलाड़ियों ने किया है। ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने इस घटना पर गहरा रोष जताया है। वहीं महेश भूपति ने भी गंभीर एतराज किया है। लेकिन खेलों से जुड़े नौकरशाह और नेता सरकारी खर्चों में रियो ओलंपिक में अपने नाते रिश्तेदारों को ले जाने में कभी नहीं हिचके। किसी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कैलाश गंभीर को यह बताने की कोशिश की कि विदेश जा रहे खिलाड़ियों को पैसे की भी जरूरत होती है। न ही खुद कैलाश गंभीर इस मामले की गंभीरता को समझ पाए। जब तक खेल के नाम पर इस तरह की लापरवाही होती रहेगी, तब तक 125 करोड़ का ये देश विश्व प्रतिस्पर्धाओं में मेडलों के लिए तरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और उम्मीद है कि खेल और खिलाड़ियों के दर्द को सरकार समझेगी और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी और जांच के नाम पर इस पूरे मामले को रफा दफा नहीं किया जाएगा। बात बाढ़ की कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत समेत देश के तमाम राज्यों में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बढ़ती जा रही है बाढ़ पीड़ितों की दुश्वारियां। आसमान से बरसी आफत ने जब बाढ़ का रूप ले लिया तो हालात और भी खराब हो गए हैं। पूर्वोत्तर भारत समेत उत्तर भारत के कई राज्य सैलाब का सितम झेल रहे हैं। बाढ़ की बर्बादी से पहाड़ से निकलकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। असम में बाढ़ के चलते अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। करीब 17 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में रहने वाले हजारों जीव जंतुओं की जान पर खतरा बनाया है। उधर अरुणाचल प्रदेश के भी कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी नदियां पूरे उफान पर हैं। संगम नगरी इलाहाबाद और धर्म नगरी वाराणसी में पानी घाटों तक पहुंच गया है। गंगा यमुना घाघरा समेत तमाम नदियां पूरी रफ्तार से बह रही हैं। दिल्ली में भी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। उधर मणिपुर और तमाम अन्य नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। केंद्र सरकार अब ऐसे लोगों की पहचान करेगी जिन पर टैक्स की देनदारी तो बनती है लेकिन वे टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसके लिए सरकार खास तौर पर छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने रीजनल इनकम टैक्स कमिश्नरों को एक पत्र भेजा है। इस चिट्ठी में इस तरह के लोगों की पहचान करने को कहा गया है। सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा ने रीजनल आईटी कमिश्नरों को चिट्ठी में लिखा है कि 2017-18 में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। पत्र में कहा गया है कि नोटबंदी और ऑपरेशन क्लीन मनी के मद्देनजर इनकम टैक्स विभाग की डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस की वजह से संभावित टैक्स पेयर्स की पहचान करना पहले से आसान हो गया है। साथ ही सीबीडीटी ने संभावित टैक्स पेयर्स की पहचान के लिए लोकल इंटेलिजेंस मार्केट एसोसिएशन और कारोबारी संघों से भी जानकारी लेने को कहा है। यानी आने वाले दिनों में छोटे छोटे शहरों में भी लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और उनके हाथों में भी इनकम टैक्स की नोटिस आने वाली है। इनकम टैक्स की नोटिस छोटे बड़े आदमी को तो मिल सकती है लेकिन बड़े उद्योगपति हो गए बाबा रामदेव, जो योग के जरिए घर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं।
पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब एक नए व्यापार में कदम रख रहे हैं। उन्होंने पराक्रम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म शुरू की है। गुरुवार को रामदेव ने हरिद्वार में इस फर्म का उद्घाटन किया। इस नई शुरुआत के बारे में बात करते हुए पतंजलि आयुर्वेद संस्थान के CEO आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराना काफी अहम मुद्दा है, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो न सिर्फ खुद की बल्कि देश की भी रक्षा कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस पराक्रम अभियान की शुरुआत की है। बालकृष्ण ने बताया है कि रामदेव इसके लिए सेवानिवृत्त फौजी और पुलिस कर्मियों की मदद ले रहे हैं जो युवाओं को इसके लिए ट्रेंड करेंगे। पर इस पूरे मसले के साथ साथ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी तैयार कर रखी है, क्या बाबा रामदेव भी अपने लिए कुछ इसी तरह की वाहिनी तैयार कर रहे हैं जो उन्हें कमाई भी कराएगी और आने वाले दिनों में उनको अन्य कार्य के लिए भी सहयोग करेगी। उधर गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने सख्त कदम उठा लिया है। गंगा एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण के अमल से जुड़ी हुई याचिका पर फैसले में NGT ने साफ तौर पर कहा है कि गंगा में कचरा डालने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए। साथ ही गंगा में औद्योगिक कचरा बहाने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा NGT ने उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 100 मीटर तक के इलाके को नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर रखा है। NGT ने गंगा नदी के तट से 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का कचरा नहीं डाला जाना चाहिए, इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकरण ने नदी में ऐसे किसी भी खनन पर रोक लगा दी है जिससे नदी के बहाव पर असर पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि दिल्ली के पटियाला हाउस के स्पेशल कोर्ट में चलने वाले कोयला घोटाले से जुड़े मामलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में नवीन जिंदल और कोयला घोटाले से जुड़े आरोपियों ने याचिका दाखिल करके कहा था कि स्पेशल कोर्ट में चलने वाली कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की इजाजत दी जानी चाहिए क्योंकि कानून में यही प्रावधान है और आरोपियों को हाई कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत में लंबित मामलों में समन, आरोप तय होने आदि के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। July 13, 1923 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड नाम लिखा गया था। हॉलीवुड के तर्ज पर ही भारत में फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नाम मिला था। और 13 जुलाई 1932 में ताजमहल, अनारकली और घूंघट जैसी हिट हिंदी फिल्मों में काम करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का जन्म हुआ था। 13 जुलाई 1977 में आपातकाल के दौरान भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे लोक सम्मान वापस लिए गए थे। 13 जुलाई 2004 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की पहल की थी। 13 जुलाई 2011 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी थी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे। और भारतीय सिनेमा में 3 अनारकली हुई हैं। 1 अनारकली थी मूक फिल्मों में रूबी मायर्स, तो दूसरी थी बीना रॉय जिन्हें 1953 में आई फिल्म अनारकली में यह किरदार अदा करने का मौका मिला, और तीसरी अनारकली 1960 में मिली मुगले आजम में मधुबाला के रूप में। आज 1951 की अनारकली यानी बीना रॉय का जन्मदिन है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बीना रॉय के को लखनऊ में एक फिल्म के लिए हुई चयन प्रतियोगिता में जीत के द्वारा चुना गया था, लेकिन परिवार ने उन्हें फिल्मों में जाने से मना कर दिया था। लेकिन बीना रॉय कहाँ मानने वाली थी, भूख हड़ताल करके अपने माता पिता को मनाया और अपना फिल्मी सफर 1951 में फिल्म काली घटा से शुरू कर दिया। इस फिल्म में उनकी भूमिका खासी सराही गई। फिर उन्होंने 1953 में अनारकली किया और 1963 में ताजमहल में अभिनय किया। 1960 में आई फिल्म घूंघट में उनकी यादगार भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। एक फिल्म औरत में वो मशहूर अभिनेत्री प्रेमनाथ की पत्नी बनी, तो वो निजी जिंदगी में भी उनकी पत्नी बन ही गई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बीना रॉय और प्रेमनाथ की जोड़ी बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन चंद यादगार फिल्में देने के बाद भी फिल्म दादी माँ के बाद बीना रॉय ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी खूबसूरती उन्हीं कुछ फिल्मों के जरिए हमारे और आपके जहन में तारी रहती हैं। तो बीना रॉय की खूबसूरती
खूबसूरत खूबसूरती और उन पर फिल्माए गए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आज देश की बातें बस इतना ही। नमस्कार।